होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, एक या एक से ज्यादा चीजों का हमजिंस आमेगा, मतलब ये सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब सॉल्यूशन के मेजर दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसका मतलब अगर एक डेफिनेशन और देना चाहें इसको, द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज व्हाट? सॉल्यूशन। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज स्मॉलर इन क्वांटिटी और हैज एबिलिटी टू डिसॉल्व इटसेल्फ, तो सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जिसकी क्वांटिटी स्मॉलर हो या जिसमें अपने आप को सॉल्युबल करने की एबिलिटी हो, वो किसका कहलाती है? सॉल्यूट। सेकंड, सच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी एंड हैज एबिलिटी टू डिसॉल्व अदर सब्सटेंसेस, तो सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जिसकी क्वांटिटी लार्जर हो और जिसमें एबिलिटी हो दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके, हल कर सके, तो ये कहलाता है हमारे पास सॉल्वेंट। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो शुगर वाटर सॉल्यूशन, शुगर स्मॉल क्वांटिटी होगी सॉल्यूट, वाटर लार्ज क्वांटिटी होगी सॉल्वेंट। तो सिंपल यहां पर डेफिनेशन के लिए, तो सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस और सॉलिड और सॉल्वेंट, अगर हम दो या दो से ज्यादा चीजों को रिप्लेस कर देंगे इससे सॉल्यूट सॉल्वेंट से, क्या चीज बन जाएगी? सॉल्यूशन। स्मॉलर क्वांटिटी वाला कंपोनेंट सॉल्यूट, जिसको उर्दू में मुनिल कहते हैं, ठीक है। लार्जर कंपोनेंट वाला आपके पास सॉल्यूशन कंपोनेंट सॉल्वेंट, जिसको हम मोलिल कहते हैं और ये कहलाता है महलूल, तो उर्दू वालों के लिए भी सिंपल। सॉल्यूट स्मॉलर क्वांटिटी कंपोनेंट, एबिलिटी टू डिसॉल्व इटसेल्फ, सॉल्वेंट लार्जर क्वांटिटी और एबिलिटी टू डिसॉल्व अदर सब्सटेंसेस, तो ये सॉल्यूशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया हमने। सेकंड, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होती है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी एंड स्टेट ऑफ मैटर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर वन, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी, द एबिलिटी टू डिसॉल्व सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ ली थी, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कितने हमें मोल्स या कितने ग्राम्स रिक्वायर्ड होते हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट को या वाटर को सैचुरेट करने के लिए, वो कहलाती है उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी। तो यहां पर विद रिस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी देयर आर 3 टाइप्स, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन भी 9th में पढ़ के आ चुके हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉर्मल फिक्स पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व होने की एबिलिटी ना हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड, ऐसा सॉल्यूशन, सच सॉल्यूशन व्हिच हैज एबिलिटी टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट पर्टिकुलर और फिक्स टेम्परेचर, किसी भी खास पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पर अगर सॉल्यूशन के अंदर मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व होने की गुंजाइश है तो इसका कहलाती है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो हम चाय कॉफी या जूस पीते हैं वो किसकी एग्जांपल हो गई? अनसैचुरेटेड। हम हस्बिसाइड चीजें डाल रहे होते हैं, इसका मतलब मजीद एबिलिटी होती है जो भी चाय कॉफी या ड्रिंक्स वगैरह है उसके अंदर शुगर या फिर आपके पास चीजें डिसॉल्व करने की, लेकिन हम लोग कम क्वांटिटी ऐड करते हैं, हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बनाना है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड की एग्जांपल क्या है? मोलेसेस, मतलब शीरा, जिसके अंदर मिठाइयां वगैरह डिसॉल्व की जाती है, इसमें क्या होगा? ऐसा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सच सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट इज एड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया और उसको हीट किया, टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी में डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड ईच अदर, तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन कन्वर्टेड इनटू सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जस्ट आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी देयर आर 3 टाइप्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड टाइप विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ मैटर, देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर सॉल्यूशन
are divided or categorized into 9 categories with respect to solubility. 3 categories thi, 3 types. Or with respect to state of matter, there are 9 types of solution with respect to state of matter. First, second, third, solid-solid solution, solid-liquid solution, solid-gas solution. इसमें initial component आप ले ले solvent, large quantity, और बाद वाला component ले ले smaller quantity, solute. Second type के अंदर liquid में liquid-liquid solution, liquid-solid solution, liquid-gas solution, 6 type. Gas-gas solution, gas-liquid solution, और gas-solid solution. It means that there are 9 types of solution with respect to state of matter. यहां पर हमने कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया, इंट्रोडक्शन कर लिया किस चीज का भाई, सॉल्यूशन का और उसके टाइप का. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन. यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, इंतकास को, तेजी को. कोई चीज मीठी है कितनी मीठी, कोई चीज तीखी कितनी तीखी, मिर्ची ज्यादा है कितनी ज्यादा है. तो उसको जाहिर करने के लिए, कंसंट्रेशन को जाहिर करने के लिए, सॉल्यूशन के इंतकास को, सॉल्यूशन की तेजी को, सॉल्यूशन की मिठास को, बातों के अलावा, ठीक है, तमाम चीजों की कंसंट्रेशन को नोट डाउन करते हैं हम लोग. कंसंट्रेशन यूनिट की कितनी यूनिट्स हैं, ओवरऑल 5 यूनिट्स हैं. देयर आर 5 यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन. इसके अलावा और भी होती है, पीपीएम भी होता है, पार्ट्स पर मिलियन भी होते हैं, लेकिन वो आप लोग के लिए भी का नहीं है. इनिशियल मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, मोलैलिटी स्मॉल एम, परसेंटेज कंपोजिशन सिंपल रिप्रेजेंट बाय परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन जाहिर करते हैं एक्स से, और नॉर्मैलिटी जाहिर करते हैं एम से. हमारे थ्योरेटिकल टॉपिक के अंदर ये 3 टॉपिक शामिल हैं, मोलैलिटी, मोलैलिटी एंड परसेंटेज कंपोजिशन. ये 3 टॉपिक हमारे चैप्टर में इंक्लूड है. बाकी मोल फ्रैक्शन हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आ चुके हैं, और नॉर्मैलिटी ये प्रैक्टिकल में यूनिट इस्तेमाल करेंगे. तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, आप जरा एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कंसंट्रेशन को. कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसॉल्व, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर और डीएम क्यूब ऑफ सॉल्वेंट. कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड है पर लीटर या पर डीएम क्यूब सॉल्वेंट में, ताकि हमारे पास क्या बन जाए, सॉल्यूशन. अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम होंगे तो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन. तो देयर आर 5 यूनिट्स, 3 इंक्लूड इन आवर चैप्टर. तो यहां पर ओवरऑल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन तक हमने पढ़ लिया है.